चढ़ेंगे अभी फेस करना करो वहां पे लगा दो स्टैंड वहां पे लगा दो अरे का बोल फिर ना बात शुरू करो ना शुरू करो और क्या बोल रही है आज तक सब ने इंसान को लिया है ज्यादा नहीं ये तो चलो ये तो चलो ये बंद रह गया यहां पे कुर्सी सुन ले और तो राम करो ओ बस बैठ 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 वो पाजी तो पहले चेक करो बाद में तो क्या भी है तो कौन मैंने करीब एक साल से थोड़ा ज़्यादा दिया इस फिल्म को तो मैं 21 जून के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ बहुत ही लॉट ऑफ बटरफ्लाइज माई स्टमक मैं थोड़ी नर्वस हूँ पर मैंने जो मैं जो कर पाई हूँ मैंने कर लिया है इस फिल्म के लिए और अभी सब भगवान के हाथ में आपको पसंद आया आपको कुछ भी रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव आ रहा है जी लेकिन हम आपको जानना चाहेंगे कोई ऐसा सीन फिल्म के अंदर जो बहुत यादगार रहा हो भी हम दो तीन सीन में ऐसे होते हैं कैसे होते हैं जी जी ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं इस फिल्म में ये सीन्स ये इनके जो इस फिल्म के जो लेखक हैं हिमांशु शर्मा वो बहुत ही कैची डायलॉग्स लिखते हैं आई थिंक ट्रेलर से ही पता चल जाता है कि इनके डायलॉग्स इतने देर आई से बहुत लोकल डायलॉग्स हैं और वो बोलने में बहुत ही पसंद आए मुझे जैसे कि कि एक थप्पड़ मारूंगी तो सारी रंगबाजी निकल जाएगी एक मिनट में ऐसे वाले डायलॉग्स बहुत कम मिलते हैं और बहुत ही मज़ा आया डायलॉगबाजी में मुझे बहुत मज़ा आया एंड और ऐसी द थिंग इज ये इस किरदार के जो कैरेक्टर ग्राफ है जो कैरेक्टर कर्व है वो बहुत ही बहुत बड़ी रेंज है तो वो कभी गंभीर भी रहती है कभी खुश भी रहती है कभी वो थोड़ी मजाकी भी है थोड़ी थोड़ी सैड भी है तो आई थिंक देर आर लॉट्स ऑफ लेयर्स इस लड़की में एंड वो बहुत खुशी खुशी से मैंने की है हाँ जी जी मैं इस फिल्म में 15 साल से आई थिंक 26 साल की लड़की का मतलब रेंज प्ले कर रही हूँ एज के रेंज प्ले कर रही हूँ तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑब्वियसली 15 साल की लड़की नहीं हूँ तो हम बनारस में शूट कर रहे थे और आपको पता है नॉर्थ में क्राउड्स कैसे होते हैं और मैं एक स्कूल यूनिफॉर्म में 2 चुटियां डाल के गई और करीब 2000-3000 लोग थे
जो शूटिंग देखने आए उन्हें पता भी नहीं था कि कौन शूटिंग कर रहा है, पर उन्हें पता चल गया कि शूटिंग हो रही है. तो धनुष और मैं स्कूल यूनिफॉर्म में पागलों की तरह से बाहर गए और हमने कहा भाई लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. और नॉर्थ में कभी कभी लोग थोड़े लाउड हो जाते हैं, पर ऐसा हुआ ही नहीं. तो वो थोड़ी नर्वसनेस थी कि मैं यूनिफॉर्म में चोटीज के साथ बाहर जाऊंगी तो लोग कैसे यू नो रिएक्ट करेंगे, मैं परफॉर्म कैसे करूंगी इतने सारे लोगों के सामने. और वो बहुत ही एक्चुअली पहले दिन ही हमने दो शॉट दिए और पूरी ऑडियंस की जैसे हम प्ले कर रहे हैं पूरी ऑडियंस ने तालियां बनाना मतलब ताली मारी और दे वर ऑल लाइक येलिंग एंड शाउटिंग. और तो उससे मेरी थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गई. पर वो थोड़ी नर्वसनेस थी यू नो टू प्ले अ 15 ईयर ओल्ड गर्ल. पर एज सून एज मैं यूनिफॉर्म पहनी और मेरे को डायलॉग्स मिल गए इट वॉज ईजी फॉर मी टू डू. मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ सॉरी. हाँ रांझना जो है वो एक लव मतलब ऑब्वियसली पूरी फिल्म प्यार के बारे में है. पर ये प्यार सब लोग कहते हैं कि यार इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लव स्टोरी एवरी फिल्म, पर ये बहुत ही ऑर्डनरी लव स्टोरी है. ये लव स्टोरी है एक आम लड़के की और एक आम लड़की की. यू नो इट्स अबाउट टू वेरी नॉर्मल पीपल. और प्यार जो है अगर वो फिल्मों में नहीं होता तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही मेसी हो जाता है. पर और ये दिखाना चाहते थे आनंद सर कि प्यार में अगर दर्द नहीं होता और खुशी नहीं होता. हू इज इट धनुष इसका. अगर प्यार में खुशी नहीं है और प्यार में दर्द नहीं है तो वो प्यार नहीं होता आई थिंक. और वो दोनों साइड दिखाना चाहते थे और इस फिल्म में ये दिखाई देगा आपको. आप ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह की ऑर्डिनरी लव स्टोरी है गली मोहल्ले में हाँ जी लड़का लड़की के स्कूल तक जा रहा है, आप मानते हैं कि इस तरह से ऑडियंस रिलेट करेगी कि हाँ ये कभी हुआ या मैंने भी कभी ऐसा जी. मेरे साथ तो ज़्यादा हुआ नहीं है बिकॉज मेरे बहुत आप इंडस्ट्री में मेरे आधे भाई हैं और आपको वो बताया इतने सारे भाई थे मेरे और वो सारे मेरे एज के हैं. तो जब मैं स्कूल में थी ज़्यादा लड़के मेरे पीछे भागते नहीं थे, वो डरते थे थोड़ा. पर उसके बाद भी मैं फिर हीरोइन बन गई 18 साल के एज में, तो उसके बाद भी थोड़ा वो डरते थे. पर ये आई थिंक ये फिल्म रिलेट करेगी बिकॉज हम बॉम्बे सिटी के हैं तो हमें पता नहीं एक्चुअली कैसे. तो मैं ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया इज अ स्मॉल टाउन और ये छोटे शहर की स्टोरी है. और ये आई थिंक लोग और रिलेट करेंगे क्योंकि लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे एक डायलॉग है कि डॉक्टर इंजीनियर सब लड़कियां को उठा के ले जाते हैं. और ये मुझे भी पता है क्योंकि जब मेरी नानी बोलती है कि अगर तुझे मेरी मॉम की साइड की फैमिली में सब इंजीनियर है या सब डॉक्टर है या कोई बैंकर है. और मेरे नाना भी मुझे कहते कि बेटा पढ़ाई कर लो, बिजनेस कर लो या इंजीनियरिंग कर लो तो ही अच्छी मतलब वो दिखाई देगा अगर किसी को शादी करना है तो. तो ऐसे मतलब आई नो कि मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है. हाँ हो गया. जी मुझे पता नहीं है, मुझे वो पता नहीं है क्योंकि मेरे बहुत सारे फिल्मों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है प्रोमो के टाइम पे. अभी सिर्फ जैसे मैंने कहा ये सब भगवान के हाथ में है. मुझे नहीं लगता है कि बिना ये सब किस्मत की बात है. आई थिंक बहुत सारे ऐसे फिल्म होते हैं जो बहुत ही अच्छे फिल्म होते हैं पर 20 साल बाद लोगों को और पसंद आती हैं यू नो. एंड या 10 साल बाद दे ऑलवेज से द फिल्म वाज बिफोर टाइम और आफ्टर टाइम आई डोंट नो व्हाट. पर अगर किस्मत हमारे साथ हो, अगर भगवान हमारे साथ हो तो आई थिंक पीपल विल रिएक्ट टू इट. पर मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं ये आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म. और रहमान सर ने जो म्यूजिक दिया है इस फिल्म का आई थिंक पिछले 5 साल में आई थिंक ये सबसे बेस्ट एल्बम आया, सबसे होल एल्बम है. और इसमें बनारस की और इंडिया की और इंडियन म्यूजिक की बहुत अच्छी फील है. दैट मॉडर्न फील जो आजकल गानों में आती है वो नहीं है. ये इसमें शहनाई है, इसमें सितार है, इसमें ठुमरी है और ये सब आई डोंट थिंक आजकल म्यूजिक एल्बम्स में आती है. मैंने आई थिंक नवंबर में मेरे इंडस्ट्री में 6 साल होंगे और मेरी सिर्फ ये मेरी 8वीं फिल्म है. तो हाँ मैं थोड़ी सी चूजी हूँ.
बिकॉज लोग बोलते हैं कि इसने इतने सारे फिल्म किए, इसने इतने सारे फिल्म किए हैं. पर मेरा मानना है कि अगर लोग, अगर मैं एक्चुअली कल यस्टरडे जयपुर है, मैं भूल जाती हूँ एवरी डे वी आर ट्रैवलिंग समय, पर मैं जयपुर में थी और मैं कॉलेज में गई और लोग मुझे सोनम ही बुला रहे थे, बोल रहे थे आयशा आयशा. तो मेरा ये मानना है कि अगर लोग मेरे किरदार को याद करते हैं, किरदार का नाम याद करते हैं, जैसे अगर मैं कहीं जाऊँ तो लोग मुझे मसकली या बिट्टू बुलाते हैं, तो फॉर मी दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाए. एंड फॉर मी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसलिए मैं इतनी कम फिल्म्स करती हूँ, नहीं तो हर कैरेक्टर दूसरी कैरेक्टर की तरह लगने लग जाता है और मैं ज़्यादा सेम चीज़ नहीं करना चाहती हूँ लाइफ में. अगर आपको अपनी स्टोरी देखनी है और अगर आपको अपनी स्टोरी से एंटरटेन होना है तो आपको रांझना देखना चाहिए. वो बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि हम चेंबूर में ऐसे ही करते थे. इसे पता है हम भी ऐसे करते थे. ऐसे चेंबूर बड़ा शहर है, छोटा शहर नहीं है. इसे नहीं, वो बॉम्बे का छोटा शहर है. तो आई थिंक इसे हाँ हम लोग ऐसे ही फॉलो करते थे लड़कियां को. हम ऐसे पापा आप ऐसे करते, हाँ मम्मी का, तेरी मम्मी के पीछे मैं ऐसे ही गया था. ये साड़ी पहन रही हूँ मैं, ये साड़ी है, साड़ी है. जी जब आनंद सर मेरे पास आए थे हिमांशु शर्मा के साथ स्क्रिप्ट नरेट करने, तो आई फेल इन लव विद द स्क्रिप्ट. मुझे एक 20 मिनट की नरेशन दी उन्होंने और कहा कि ये कहानी है, ये कहानी है, कैरेक्टर आपका ऐसा है. और तो मैंने ऐसे मैटर ऑफ फैक्टली पूछा कि हीरो कौन है, बिकॉज यूजली मैं हीरो को लेके फिल्म नहीं साइन करती हूँ, मैं डायरेक्टर के साथ फिल्म साइन करती हूँ. अगर आप देखेंगे मेरी फिल्म में तो आई ऑलवेज साइन बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर, नॉट हु माई को स्टार इज और नॉट एनीथिंग एल्स. सो ही सेड आपको कौन लगता है कि इस इंडस्ट्री में इस कैरेक्टर को सूट करेगा. तो मैं 10 मिनट लिए ऐसे एकदम शांत हो गई क्योंकि मैं सोच नहीं पाई कि कौन प्ले कर पाएगा एक गली का लौंडा, जैसे बोलते हैं आई विल आउट टू सी लौंडा ऑन स्क्रीन ऑन दिस थिंग. तो तो ही वॉज लाइक मैं सोचता हूँ सोच आई सेड आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग. तो ही सेड अच्छा मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूँ. नहीं पहले उन्होंने कहा कि चलो आप तुम धनुष को जानते हो, तो आई सेड हाँ वो अभी कोलावरी डी करके गाना आया था, मैं मेरा रिंगटोन है वो फोन पे. और ही डिडंट जस्ट वन अ नेशनल अवार्ड फॉर दिस फिल्म एंड व्हाटएवर व्हाटएवर. ही न्यूज में आया था कि इज द यंगेस्ट नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर इन इंडिया और मेल एक्टर इन इंडिया. तो आई सेड वेरी गुड सर, अगर ये बनारसी नॉर्थ इंडियन लड़का है मतलब लैंग्वेज की दिक्कत तो होगी उन्हें. तो उन्होंने कहा कि नहीं यार अच्छा मैं वो तो है पर मैं तुम्हें एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ. तो एक उन्होंने मुझे एक फोटोग्राफ दिखाया कि धनुष साधो के साथ मतलब सराउंडेड और उन्होंने एक गमछा अपने सर पे डाल के ऐसे और वो ऐसे एकदम बहुत ही खूबसूरती से मुस्कुरा रहे हैं. तो मैंने कहा कि एक्चुअली यू नो सर यू आर राइट, सिर्फ ये लड़का प्ले कर सकता है और हम लैंग्वेज का देख लेंगे. और ऑनेस्टली अगर आप प्रोमोज को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यार इसके सिवाय और कोई नहीं प्ले कर सकता है इस किरदार को. थैंक यू सो मच. थैंक यू.